बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने मंत्रियों के विभाग के आवंटन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार और विभाग का बंटवारा मुख्यमंत्री जी का विषय है, हम लोगों के बड़े नेताओं का विषय है। उनसे अप्रोच कीजिएगा तो जानकारी मिलेगी। बजट सत्र के समय में हो रहे लगातार बदलाव पर उन्होंने कहा कि जो नियम है, जो प्रक्रिया है, जो कानून कहता है, उसके हिसाब से सारी चीज चलती है। उन्होंने कहा कि बहुमत में कहीं भी संशय की स्थिति नहीं है, कहीं कश्मकश नहीं है। अखबार, टेलीविजन और सोशल मीडिया में कश्मकश चलती है, सारे लोग इंट्रैक्ट हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। मंत्री श्रवण कुमार ने स्पीकर के इस्तीफे को लेकर कहा कि जब समय आएगा तो सभी चीज का हल निकल जाएगा, सब कुछ समय पर होगा, नियम से होगा और कानून के तहत होगा। वहीं आपको बता दें, तेजस्वी यादव के बयान की अभी खेल बाकी है कि जवाब में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा तो हम दुनिया को बिगाड़ सकते हैं। ये कौन बात है, जो हटते हैं तो अपने मन को ठंडा करने के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं, जगह से भी बेजगह होते हैं तो कुछ ना कुछ बात बोलकर अपने समर्थकों को टाइट रखते हैं। ये सब राजनीति में चलता है। इसके साथ ही राजद के आरोप मंत्रिमंडल विस्तार में पेंच फंसा है, पर उन्होंने कहा कि आरजेडी को ये बात कैसे मालूम है, वो थोड़ी शामिल है, सब स्मूथ है, सब सही है और सब अच्छा है। इतना ही नहीं, आपको बताते चले, विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई को लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कानून के हिसाब से सभी कार्रवाई चलती है और एकाएक इस तरह की कार्रवाई नहीं चलती है। पहले जांच पड़ताल होती है, उसके बाद कुछ चीज सामने आती है तो इस तरह की कार्रवाई होती है, लेकिन जो कार्रवाई हो वो नियम से हो, कानून को ताक पर रखकर कार्रवाई ना हो। कोई विपक्ष में रहे या सत्ता पक्ष में रहे, कानून अपना काम करता रहता है। इस बीच आइए आपको भी सुनाते हैं श्रवण कुमार ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा। सारे सवाल जो आप पूछ रहे हैं ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है और हम लोग के बड़े नेताओं का ये विषय है। वहाँ आप अप्रोच कीजिएगा, वहाँ से पूछिएगा, तब आपको सही जानकारी मिलेगी। हमसे पूछने पर तो कुछ जानकारी आपको मिलाएगा। कोई कसम कस नहीं है, अखबार में, टेलीविज़न में, सोशल मीडिया पर कसम कस चलता है। सारे लोग इंटैक्ट हैं और मजबूती से नीतीश कुमार जी के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। अरे भाई, हम अगर किसी को, हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़े तो हम दुनिया को बिगाड़ सकते हैं, ये कौन बात है। जिन जो हटते हैं वो कुछ न कुछ बोल करके अपने मन को ठंडा रखते हैं, जब जगह से बेजगह होते हैं तो कुछ बात कह के अपने समर्थकों को थोड़ा टाइट रखते हैं, तो ये सब तो राजनीति में चलता रहता है। हम लोग आज से थोड़ी देख रहे हैं, ये आरजेडी को कैसे मालूम है, वो थोड़ी शामिल हैं जो पेंच में पेंच फंसा रहे हैं। कोई पेंच नहीं है, सब स्मूथ है, सब सही है, सब अच्छा है। देखिए, कानून के हिसाब से ये सब सारी कार्रवाइयाँ चलती है और एकाएक इस तरह की कार्रवाई नहीं चलती है। पहले जांच पड़ताल होता है, जांच पड़ताल के बाद कुछ चीज़ें सामने आती है तभी इस तरह की कार्रवाई होती है। इसी के साथ आपको बता दें, 28 जनवरी को बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने नवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस दौरान हम पार्टी के नेता और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को फिर से मंत्री बनाया गया है। संतोष सुमन इससे पहले भी बिहार सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का मंत्री उनको बनाया गया था। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।